यीशु पानी के ऊपर चलते। 5,000 मनसे मल्ला खाना खिलाए के बाद यीशु हर अपन चेला मल्ला डोंगा में चढ़े बर कहिस। ओ हर ओ मल्ला झील के दूसर रंग जाए बर कहिस, जबकि ओहर थोड़कुन बेरा बर ओच करा रुकीस। इकर बाद चेला मन चल दिन और यीशु हर भीड़ ला विदा करिस कि ओमन अपन घर जाए। इकर बाद यीशु प्रार्थना करे बर एक ठन पर्वत के ऊपर चल गिस। ओठी ओहर अकेला रहिस और ओहर बनेच रात तक प्रार्थना करी। उस समय चेला मन अपन डोंगा ला खेवत जात रहिन, लेकिन हवा ओमन के विपरीत दिशा में बनेच जोर ले बहत रहिस। बनेच रात होय के बाद घोले ओमन झील के मांझाच मा पहुँचे रहिन। उ बेरा मा यीशु हर प्रार्थना करे बर समाप्त करिस और अपन चेला मंठी वापस जाए बर शुरू करिस। ओ हर डोंगा अंग जाए बर पानी के ऊपर चले लागी। तहां चेला मन ओला देखिन, ओमन बनेच डरगिन, काबर कि ओमन सोचत रहिन कि ओ हर कोनो भूत है। यीशु जानत रहिस कि ओमन डर गे रहिन। इकर बर ओहर ओमन ला आवाज दे के कहिस, नी डर मई चौ। तहां पतरस हर यीशु ले कहिस, हे गुरु, अगर ई ते अस तो मोला पानी के ऊपर ले चल के तोर ठी आय के आदेश दे। यीशु हर पतरस ले कहिस, आ। इकर बर पतरस डोंगा ले उतर गिस और यीशु ठी जाय बर पानी के ऊपर मा चले लागिस। लेकिन थोड़कुन दूर चले के बाद ओहर अपन आखिला यीशु ले हटा दिस और लहर मल्ला देखे लागिस और तेज हवाला महसूस करे लागिस। तहां पतरस डर गिस और पानी में बुड़े लागिस। ओहर नरियाइस, हे प्रभु मोला बचा। यीशु हर तुरतेच हाथ बढ़ा के ओला पकड़ लिस। तहां ओहर पतरस ले कहिस, तोर विश्वास बनेच कम है, सुरक्षित रहे बर ते हर मोर ऊपर भरोसा काबर नहीं करे। तहां यीशु और पतरस डोंगा में चढ़ गिन और तुरतेच हवा के बहाव रुक गिस और पानी शांत हो गिस। चेला मन हर चकित होके यीशु के आगू मा घुटना टेक दिन। ओ मन हर ओकर आराधना करें और ओकर ले कहिन, सच मा ते परमेश्वर के बेटास। मती अध्याय 14:22-33, मरकुस अध्याय 6:45-52, यूहन्ना अध्याय 6:16-21 ले बाइबिल के एक ठन कथा।